इस योजना के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। दवाइयों का पावर खुले बाजार में उपलब्ध महंगी ब्रांडेड दवाओं की तुलना में समान होता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने सब्सिडी की बिल्कुल भी बात नहीं की है। यहाँ पे सब्सिडी भी आपको मिल सकता है, चाहे सरकारी संस्था है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे यही मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से नए नए उद्योग, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नौकरी की संभावनाओं की बात करते हैं। आज के इस बिजनेस आइडिया में हम आपको बताएंगे कि आप भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़कर कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पैसा तो कमाएंगे ही, साथ ही साथ में दुआएं भी बहुत कमाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा बिजनेस है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है आम जनता के लिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। बिजनेस कुछ ऐसा है कि भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को लाभ एवं सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा एक अन्य योजना की शुरुआत की गई है जिसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंदर देश के नागरिकों को रियायती दरों पर दवा उपलब्ध कराई जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है, पीएम जन औषधि केंद्र कैसे खोलें, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कौन कौन खोल सकते हैं और इसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इन सभी के विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखें। यदि आप भी भारत देश के नागरिक हैं और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने से पहले इस बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर लें। यहां हम आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जुड़ी समस्त जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हाईलाइट, पीएम जन औषधि केंद्र के उद्देश्य क्या हैं, पीएम जन औषधि केंद्र एलिजिबिलिटी क्या है और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, पीएम जन औषधि केंद्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पीएम बीजेपी का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफ इंडिया, मतलब पीएमबीआई प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी है। दिसंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत भारत सरकार द्वारा पीएमबीआई की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। दवाइयों का पावर खुले बाजार में उपलब्ध महंगी ब्रांडेड दवाओं की तुलना में समान होता है। अगर आप भी पीएम जन औषधि केंद्र खोलने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए तय की गई पात्रता को पूर्ण करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके जन औषधि केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं और जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। जानते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हाईलाइट्स क्या है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर विजिट करें। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्देश्य क्या हैं? समस्त देशवासियों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औषधि विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र परियोजना की शुरुआत की गई है। पीएम बीजेपी के उत्पाद समूह में 1616 दवाएं और 250 सर्जिकल आइटम शामिल हैं। आबादी के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि धारणा का मुकाबला किया जा सके कि गुणवत्ता केवल उचित कीमत का पर्याय है। पीएम बीजेपी केंद्र खोलने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार पैदा किया जा सके। पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या क्या पात्रता है उसको भी ध्यान से समझिएगा। उम्मीदवारों को पीएम जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तय की गई पात्रता पूर्ण करनी होगी। इस पात्रता को पूर्ण करने के बाद ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हेतु पात्र माने जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पात्रता निम्न प्रकार है: फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर,
जन औषधि केंद्र खोलने हेतु पात्र होंगे। एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्राइवेट हॉस्पिटल औषधि केंद्र खोलने हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग महिला वर्ग जन औषधि केंद्र खोलने हेतु पात्र होंगे। और कौन कौन जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं? व्यक्तिगत उद्यमी या मालिक, साझेदारी, धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल, एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी, सरकार या सरकार द्वारा नामित एजेंसी, इतने लोग जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो उम्मीदवार ध्यान दे, यहाँ हम आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जिन जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इन जानकारियों को आप पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। यह पॉइंट निम्न प्रकार है: आधार कार्ड, फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं पीएम जन औषधि केंद्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार ध्यान दें, अगर आप भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जहां भी सीएससी सेंटर होगा वहां से आप जाके आवेदन कर सकते हैं या खुद से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। स्टेप्स को फॉलो करके आप भी आसानी से जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार है: janaushadhi.gov.in प्रवेश करके अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आपको मेनू में अप्लाई फॉर केंद्र का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अगले पेज में आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नए पेज में साइन इन फॉर्म खुलेगा, आपको नीचे दिए गए रजिस्टर्ड नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, यहाँ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, भारत सरकार, डीएपी बॉक्स में स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भरकर कंफर्म पासवर्ड करने के लिए फिर से पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी पीएम जन औषधि केंद्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। और जो लोग अपना खुद का व्यवसाय मेडिकल सेक्टर में करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और कई लोगों को इसके अंदर सब्सिडी भी मिलेगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने सब्सिडी की बिल्कुल भी बात नहीं की है। यहाँ पे सब्सिडी भी आपको मिल सकता है अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। इस साथ ही साथ आपको फर्नीचर और फिक्स्चर्स के लिए पैसे भी यहाँ पे आवंटन होते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं और जेनरिक दवाएं हर किसी की डिमांड है, आपको भी यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। सरकारी संस्था है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे यही मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग आपके अपने हैं, जिन लोगों के लिए आप चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस वो स्टार्ट करें। और अगर लाइक कर देंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। मिलेंगे फिर किसी और बिजनेस रिलेटेड किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।